यहाँ पर आने का रीजन यह है कि हम लोग आज आपको दिखाने वाले हैं ऐसे अमरूद को जो कि लाभजी सर आपके पहले कौन लगाता रहा, आपका तो 20-25 साल उम्र लग रहा है। पहले अमिताभ बच्चन लोग भी यहीं पर आकर के खाया करते थे इसको। बहुत अच्छा, विदेश भी? जी जी जी, अच्छा बहुत लोग पसंद कर यहाँ से भैया 2500 साल से अमरूद यहाँ से खरीद रहे हैं। अच्छा तो देखिए ये दिवाली से होली तक जो दुबई गया। अच्छा दुबई 10 किलो साथ ये पकेगा तो और रेट होगा। अच्छा हेलो फ्रेंड नमस्कार, और फिलहाल मतलब हम लोग हैं इस समय प्रयागराज में और प्रयागराज के सेंट कैथेड्रल चर्च पे यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। देखिए पीछे आप इसका दृश्य देख पा रहे होंगे, और इसका एक और नाम पत्थर गिरजाघर भी है। जब भी आपको अगर यहाँ पर पहुँचना हो तो किसी से कहेंगे कि भाई पत्थर गिरजाघर जाना है तो ये यहाँ पर लेकर के आपको लेकर चले आएंगे, चाहे वो ऑटो हो या टेम्पू कुछ भी हो, मतलब ई रिक्शा हो कुछ भी, आप यहाँ पर जो है कि पहुँच पाइएगा। तो देखिए फ्रेंड हम लोग फिलहाल हम लोग यहाँ पर आने का रीजन यह है कि हम लोग आज आपको दिखाने वाले हैं ऐसे अमरूद को जो कि इलाहाबादी अमरूद के रूप में जाना जाता है और जिसको कि GI टैग भी दिया जा चुका है। इलाहाबाद सामने उस साइड जो है कि आपका देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो इलाहाबादी अमरूद है वो जो है कि बिक्री हेतु देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, और नगर निगम का पीछे पार्किंग भी है। तो यहीं पर तमाम जो है कि स्टॉल लगे हुए हैं इलाहाबादी अमरूद के, और जो कि बचपन में कभी अमिताभ बच्चन भी यहीं पर आकर के अमरूद वगैरह खाया करते थे, वही इलाहाबादी अमरूद का आज हमको यहाँ पर आपको स्वाद चेक करके बताने वाले हैं कि कितना बेहतरीन जो है कि इलाहाबादी अमरूद होता है, और जिसका दूसरा नाम सुर्ख अमरूद भी है। यहाँ पर कुछ है पब्लिक रिव्यू भी लेंगे वहाँ से हम लोग, और जो दुकानदार हैं उनसे भी हम लोग कुछ यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए उधर चलते हैं, और अगर आप फिलहाल पत्थर गिरजाघर का अगर हमारा वीडियो नहीं देखे हैं और 25 दिसंबर के दिन जो क्रिसमस डे था तो हम लोग यहाँ पर आए थे तो उसका वीडियो हमने यहाँ पर अपलोड किया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख पाइएगा। तो आइए चलिए चलते हैं वहाँ से जो कि आपको अमरूद का स्वाद चखाते हैं। तो फिलहाल देखिए फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं इनके स्टॉल पर, और देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो ये लाल लाल अमरूद हैं ये सभी इलाहाबादी अमरूद हैं, और ये वाला अमरूद तो दूसरा है, लेकिन जो अपना इलाहाबादी अमरूद है ये लाल कलर में आप देख पा रहे होंगे, ऊपर से लाल और अंदर से सफ़ेद होता है। तो भाई साहब से हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले, भाई साहब इसका जो कि क्या रेट है? ये 80 रुपये किलो है। 80 रुपये किलो, 80 रुपये, 100 रुपये किलो है। हाँ कौसाम्बी कछार का होता है, बहुत मीठा होता है। ये वाला दिखाइए, ये देखिए 100 रुपये किलो ये वाला है, ये कौसाम्बी से आया हुआ है, ऊपर से हरा है अंदर से लाल, और ये वाला ऊपर से लाल है और अंदर से सफ़ेद, ये इलाहाबादी अमरूद होता है, इलाहाबाद सेविया। हाँ इसका दूसरा नाम सुर्ख अमरूद भी बोलते हैं ना, सुर्खा अमरूद। पहले अमिताभ बच्चन लोग भी यहीं पर आकर के खाया करते थे इसको। बहुत इनका कहना है। ये आप स्टॉल कितने दिनों से लगा रहे हैं? ये सर हो गया कम से कम 20-25 साल। 20-25 साल हो गए जी सर। आपके पहले कौन लगाता रहा, आपका तो 20-25 साल उम्र लग रहा है, मतलब भैया लोग लगाते हैं, आपके भैया जी पिताजी वगैरह लोग लगाते रहे होंगे, मतलब आपके जो है कि पूर्वजों से चला रहा है आपका यह दुकान जी। तो चलिए इलाहाबाद की जो ख्याति है आप देख पा रहे होंगे इलाहाबादी अमरूद से ही, और GI टैग भी जैसे आपको बताया गया है कि दिया जा चुका है, और इलाहाबादी अमरूद है, इलाहाबादी के नाम सेविया अमरूद है जी, ये यहाँ का सबसे बेस्ट फेमस वाली क्वालिटी है। हाँ हाँ ये इलाहाबाद में समझिए सबसे ज्यादा पैकिंग जो है इलाहाबाद गिरजाघर पे से होती है। अच्छा जी सर। तो यहाँ से कहाँ कहाँ जाता है ये अमरूद? बहुत दूर दूर जाता है, बॉम्बे दिल्ली के लिए एक्सपोर्ट होता है, मेरे पास तो अधिकतर होता है। अच्छा अच्छा। अमिताभ बच्चन के लिए हर शुक्रवार शनिवार दो दिन 50-50, 25-25 किलो ऐसे करके जाता हूँ। अच्छा यहाँ से मतलब मुंबई अमिताभ बच्चन के लिए साइज? जी जी जी। मतलब पहले बचपन में यहाँ खाया करते थे, मुंबई मंगा रहे हैं? जी 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 भैया, बहुत पसंद करते हैं। और अन्य शहरों में जैसे मुंबई हो गया, और कौन कौन शहरों में आप एक्सपोर्ट करते हैं? अरे अपना माल तो दिल्ली जाता है, बॉम्बे जाता है, और पूना जाता है, चंडीगढ़ जाता है, हर शहरों में जाता है, विदेश भी बहुत जाता है। अच्छा अच्छा विदेश भी? जी जी जी। अच्छा बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि ये इलाहाबादी अमरूद फेमस है ही है, इतना जबरदस्त और मीठा भी खूब है, बहुत मीठा। भाई साहब जो देखिये इस अमरूद को देखिये फारे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे अंदर से देखिये ये सफेद अमरूद है, और इधर देखिये ये पूरा लाल है, और अमरूद जो है करीब से भी आप देख पाएंगे जो एकदम, और ये देखिये ऊपर से देखने में लग ही रहा है एकदम सेव है, देखिये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये सेव की तरह लग रहा है, और इसके अंदर देखिये भाई साहब जैसे ये फाड़े हुए हैं इसको, तो देखिये अंदर से है ये सफेद, और हर जगह हर चौराहे पर नहीं मिलता है, और फिलहाल ये गिरजाघर केवल पत्थर गिरजाघर पे ही, और भाई साहब को तो आप पहचान ही रहे हैं, फेमस जो होता है सेविया अमरूद इलाहाबाद का, देसी अमरूद तो हर जगह मिल जाएगा, तो हर जगह शहरों में मिलेगा सर, वो ये अमरूद इलाहाबाद छोड़ कहीं नहीं मिलेगा आपको, जो भी जाएगा तो यहीं से जाएगा। जी जी भैया जी। तो देखिए जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि ये अमरूद जो है कि आपका कहीं मतलब बाहर कहीं नहीं मिलेगा, जो भी जाएगा तो इलाहाबाद से होकर ही जाएगा, मतलब इलाहाबाद से एक्सपोर्ट होकर के वहाँ पर पहुँचेगा। तो देखिए यहाँ पर सर जो है कि अमरूद लेने आए हुए, तो सर से हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो सर सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइएगा, और कितने सालों सर आप ये अमरूद खरीद रहे हैं यहाँ से?
यहाँ से भैया 2500 साल से अमरूद यहाँ से खरीद रहे हैं। अच्छा, तो इलाहाबाद इस अमरूद में और जो इलाहाबाद दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें और देसी अमरूद में क्या आपको डिफरेंस लगा? इनका अमरूद जो है मीठा बहुत होता है, उसका स्वाद ही एकदम अलग से। इलाहाबादी अमरूद, उसी के लिए इलाहाबादी अमरूद फेमस ही है। अच्छा, आप भी 2500 साल से इसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पत्थर गिरजाघर से इसको लेते हैं? हाँ, यही बेल्ट पे इसका जो है बहुत सी दुकानें सब इसी लगाए रहते हैं ये लोग, और यहीं पे ये स्पेशली यहीं का मिलता ही है। बाकी जगहों पे देसी अमरूद मिल जाता है जो गाँव से उधर से आते हैं दूसरे पेड़ों का। और तो देखिए, यही है सुर्ख अमरूद, और इसकी खासियत आप जो है कि सर से भी सुने होंगे और जो यहाँ पर भाई साहब जो विक्रेता हैं उनके मुख से भी आप सुने होंगे। हम लोग इसका थोड़ा स्वाद लेते हैं, तो फिर इसको हम लोग भी चेक करके आपको बताते हैं कि कैसा है इसका स्वाद। तो लीजिए कृष्णा जी, इसको चखिए, और हम लोग भी अभी देखिए चेक करके आपको बताते हैं कि इसका देखिए स्वाद कैसा है भाई। और इलाहाबादी अमरूद का जैसा बता रहे हैं भाई साहब, की स्वाद ही अलग है। तो देखिए भैया, ये जो है बहुत ही मीठा अमरूद है। तो भाई स्वाद एकदम फाड़ू है भाई, आइएगा तो आप भी खाइएगा। तो फिलहाल देखिए फ्रेंड्स, इलाहाबादी अमरूद जो बता रहे हैं भाई साहब की पेट की कोई भी बीमारी हो तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो अगर आपके पास भी अगर कोई बीमारी है पेट की, तो उसको कि पेट सफा तो हर रोग दफा, तो वही चीज़ें हैं। और बाकी इलाहाबादी अमरूद लेकर जाइए अगर आपको कोई भी पेट की बीमारी है। वैसे भी स्वादिष्ट के लिए भी, स्वाद के लिए भी काफ़ी अच्छी है, उसको भी ले जा सकते हैं। बाकी आप देख पा रहे होंगे यहाँ से वहाँ तक स्टॉल लगे हुए हैं और काफ़ी दूर तक, मतलब सभी लोग इलाहाबादी अमरूद ही बेच रहे हैं। और जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि आज उतना इनके पास जो है कि आज माल आ नहीं पाया है, और नहीं तो जो है कि कल के लिए बोल रहे हैं, कल और भी बेहतरीन तरीके से जो है दुकान सजेगा। और पीछे आप देख ही पा रहे हैं, और राइट साइड में भी हमारे कुछ 2-4 स्टॉल वहाँ पर भी लगे हैं, और कहीं पर भी आप आकर के परचेज कर पाइएगा और इलाहाबादी अमरूद। तो बाकी रेट वगैरह देख ही रहे हैं, देसी अमरूद तो हमें लगता है 40 रुपये किलो ही होगा, और फिलहाल ये 80 रुपये किलो है। और ये वाली अमरूद इनकी ये वाली है कौसाम्बी वाली, ये जो है कि इनकी है 100 रुपये किलो। तो जो भी है परचेज करके ले जाइए। एक और स्टॉल पर आ चुके हैं, इनके यहाँ भी देखिए आप देख पा रहे होंगे इलाहाबादी अमरूद ये सब लगे हुए हैं, और ये कौसाम्बी वाली अमरूद है ना, और इसका क्या नाम बताएं, जामफल। इस वाले देखिए अमरूद का नाम है जामफल, और इनके यहाँ देखिए ये 80 रुपये किलो है, और ये भी 80 रुपये किलो। इलाहाबादी अमरूद का तो खुला रेट है 80 रुपये किलो ही, और प्रयागराज में कहीं भी लेंगे। फिलहाल जो कि हम लोग पत्थर गिरजाघर के पास में है, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यहीं से होता है। क्यों? ये अगर हरे पानी का है तो रख दीजिए, एक हफ्ता खराब नहीं होगा। अच्छा अच्छा, अंदर खराब नहीं होता है। अच्छा। बाकी और फल में खराबी आ जाता है, लेकिन इसमें खराबी नहीं होता, इसमें खराबी नहीं आएगा। और टेस्ट ये वाला देखिए अमरूद एकदम लग रहा है जैसे सेव ही है। क्यों? एकदम सेव, ऊपर से जो है कि लाल और अंदर से सफ़ेद। और देखिए भाई साहब ये वाला भी अमरूद दिखा रहे हैं, देखिए पूरा एकदम लाल है, आप देख पा रहे होंगे इसमें, और ये अंदर से है सफ़ेद, अंदर से सफ़ेद। हाँ, ये ओरिजिनल इलाहाबादी अमरूद की पहचान ऐसे ही कर पाइएगा। इलाहाबादी सुरखा, दिवाली से चालू होता है, दिवाली से लेके फरवरी लास्ट तक, फरवरी लास्ट मतलब मतलब होली तक पहुँचे। हाँ, होली समझिए, होली तक। हाँ, तो देखिए ये दिवाली से होली तक जो कि स्टॉल यहाँ पर लगा रहता है। बाकी टाइम आप लोग क्या करते हैं? बाकी रहता दूसरा काम होता है, फल का काम होता है, फल का काम होता है। और फिलहाल इस सीजन में जो है कि आपका ये अमरूद वाला काम चलेगा, इलाहाबादी अमरूद को पहुँचा रहे हैं विदेशों तक है। आपका कहाँ तक एक्सपोर्ट करते हैं अमरूद? हर जगह जाता है, बम्बई दिल्ली विदेश तक जाता है। अच्छा, आदमी आते हैं ले जाते हैं 10-10 किलो के पैकेट बना के। हाँ। अच्छा, कहाँ भेजे हैं? दुबई गया। अच्छा, दुबई 10-7 किलो का पैकेट बन के, 5 किलो का पैकेट। तो यही रहता है कि इससे बेस्ट क्वालिटी में भेजने का प्रयास करते हैं। देखिए जब ये क्वालिटी है, ये 4-5 दिन 6 दिन टिकेगा। अच्छा, और रेड हो जाएगा, खूबसूरती बन जाएगी, और इसका टेस्ट मतलब ये पकेगा तो और रेड होगा। अच्छा, रेड होता रहता है और खूबसूरती बढ़ती जाती है। अच्छा, ये अभी मतलब ये कच्चा है, हल्का फुल्का है। ये अभी कच्चा, जब ये जितना देखे पकता जाएगा उतना ये लाल लालिमा जो है इसकी वो बढ़ती जाएगी, यानी कि जब एकदम टोटल लाल रहेगा तो वो एकदम अच्छा से पका रहेगा, बहुत खूबसूरत दिखेगा। शिमला सेब, हाँ भी खूबसूरत ये दिखेगा। अच्छा, इसको फाड़ करके दिखाइए। तो देखिए ये जो ऊपर से लाल है, इसके अंदर से हम लोग इसके अंदर व्हाइट होता है। हाँ, और काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि लाल मतलब कि लाल वाला जो है कि इलाहाबादी अमरूद, कुछ लोग इसमें भी कन्फ्यूजन में रहते हैं। बहुत होते हैं, लेकिन रियल क्या है ना, जो क्वालिटी इसकी है, हाँ, पूरे वर्ल्ड में, हाँ, ये और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, केवल इलाहाबाद में ही मिलेगा ये। हाँ, तो देखिए इलाहाबादी अमरूद ये केवल प्रयागराज में ही मिलेगा आपको, कहीं भी मतलब इलाहाबाद से बाहर आपको कहीं पर नहीं। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का प्रदूषण जो भी है, यहाँ से अच्छा कहीं नहीं है इसके लिए। और बाकी तो बहुत लोग लगाए हैं, इटावा और मैनपुरी सगर लगाए हैं, लेकिन सक्सेज नहीं हुआ। बनारस लगाए सक्सेज नहीं हुआ। अच्छा, ये पेड़, ये पेड़। अच्छा, हम लोग बहुत भेजे हैं, लेकिन सक्सेज नहीं। जो क्वालिटी यहाँ मिली है पूरे देश में कहीं नहीं मिली।
तो देखिए जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ के मिट्टी में ही यह गुड़ है कि जो यह ये अमरूद जो है कि यहाँ पर पैदा हो पा रही है, नहीं तो तमाम जगह बनारस बगल में सटा हुआ यह जिला लेकिन वहाँ पर भी यह सक्सेस नहीं हुआ पेड़ लगाए तो। प्रतापगढ़ में नहीं होता, यहाँ से सटा हुआ देखिए जिला है, सटा हुआ जिला प्रतापगढ़ है, वहाँ पर भी जो है कि यह देखिए अमरूद जो है वहाँ पर भी सक्सेस नहीं हुआ, मतलब यानी कि इलाहाबाद की मिट्टी की ये खासियत है, हाँ मिट्टी की खासियत है और यहाँ का एटमॉस्फेयर जो इसको ऑब्जर्व कर ले रहा है और यहाँ के इसकी जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी हो पा रही है यहाँ। और यहाँ पर कौन से इलाके में होता है ये पैदावार? कौशाम्बी जिले में होता है, बमरौली है, कौशाम्बी है, ये अभी तो इलाहाबाद था कौशाम्बी हो गया है, पहले इलाहाबाद था अब कौशाम्बी हो गया है, तो इसी क्षेत्र में होता है, मतलब समझ लीजिए कि कम से कम 25-40 किलोमीटर के रेंज में, 40-50 किलोमीटर के रेंज में होता है और हर जगह हर मिट्टी में भी नहीं हो पाता। अच्छा, हर मिट्टी में नहीं हो पाता, कौशाम्बी में भी। अच्छा, जो एरिया की तरह जहाँ की मिट्टी जैसी है, जहाँ फूट करती है वहीं होता है, बाकी नहीं है, उद्यान विभाग वाले हमसे खुद ही ले जाते हैं। अच्छा अच्छा, और यहाँ पर जो खुसरो बाग में है वो क्या मतलब केवल इसका? नहीं नहीं है, वहाँ है, वहाँ भी होते हैं, कलम लगाया जाता है। अच्छा, कलम लगाया जाता है, एक्सपेरिमेंट चलता है, यहाँ की नथा लेके। अच्छा, वहीं से ये नथल बनाई गई है, वहीं से फैलाया गया। अच्छा, बाकी खुसरो बाग में तो वही है कि वहाँ नथल बनाई जाती है और बेच दिया जाता है, बाहर पैदा होता है और बाकी वहाँ बिकता नहीं है। खुसरो बाग में जो कि इस पेड़ की जो है कि नस्ल जो है कलम वगैरह बना करके बाहर जो है कि लोग लगाने के लिए लोगों को भेजते हैं, हाँ पौधा ले जाते हैं जी। वहाँ पर हमारी जो बीके सिंह जी हैं उनसे बात हुई है तो बोले हैं किसी दिन आइएगा तो वहाँ वीडियो बनाने के लिए, तो हम ठीक है आते हैं, किसी जानते हैं, मेरा नाम तीरथ राज सोनकर है। अच्छा अच्छा, प्रयागराज मिले थे हमसे अभी फूल वाले में, फूल प्रदर्शनी जो था, हाँ तो मिले थे तो बोले कि वहाँ पर आइएगा, हम ठीक है जरूर आएंगे अब मौका। तो फिलहाल देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि जो आप देख पा रहे होंगे इलाहाबादी अमरूद, यहाँ पर तमाम जो है कि स्टाल लगे हुए हैं और भाई साहब के यहाँ पर जो है कि तीरथ राज सोनकर जी हैं और इनके यहाँ पर आइए जो है कि हमारा अमरूद करके ले जाइए और बाकी रेट वगैरह तो बता ही रहे हैं, बाकी आप जब अगर हमारे चैनल का नाम बताएंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत आपके कम हो जाएगा, और बाकी आइए और ख़रीद के ले जाइए, हम लोग तो लेकर के जा रहे हैं, इसका स्वाद भी हम लोग चखेंगे और अपने मित्रों को भी खिलाने वाले हैं और सभी से हमारा यही आग्रह है कि यहाँ पर पहुँचिए और अधिक से अधिक इस अमरूद को बढ़ावा दीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा जिससे कि यह अमरूद जो है कि अधिक लोगों तक जो है पहचान अपनी बना सके। वैसे ही GI टैग मिला तो वैसे ही पहचान है लेकिन आप लोग शेयर करेंगे अधिक से अधिक तक लोगों को यह पहुँचना चाहिए यह बात जो कि इलाहाबादी अमरूद के संबंध में है। और बाकी अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है PK Blog 23 PK Blog, अब ऑफिशियल उसको चेंज करके कर दिया गया है और बाकी चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया गया। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।